मेरे घर पे गोलगप्पे एकदम से फुले फुले गोलगप्पे, और ये है हमारा पुदीने वाला पानी, ये है इमली और गुड़ वाला पानी, और यहाँ पे आलू प्याज और धनिया डाल के मैंने स्टफिंग रेडी कर दी है। जिस जिसको खाने जल्दी से आ जाओ दौड़ के, क्योंकि 2 मिनट में ये खत्म हो जाने वाले हैं। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए जबरदस्त क्रंच आया। अभी इसमें हम फिल करेंगे पानी, साथ में डालेंगे यहाँ पे स्टफिंग आलू और प्याज की, इसमें इमली वाला पानी खट्टा मीठा, और साथ में डालेंगे खट्टा वाला पानी, पुदीने वाला पानी। एंड हमारा यहाँ पे गोल गप्पा है, तो चलिए अभी इसको खा लेते हैं जल्दी से। मतलब यार मार्केट वाले फेल है, बहुत अच्छे बने हैं, क्रंची के तो बाद में पूछो, बहुत ज्यादा क्रंची बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में। आई एम प्रतिभा। सो अभी है मॉर्निंग का टाइम, और नहा धो के यार पूरा झाड़ू पोछा कर दिया है, एंड थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। आज बड़े दिन हो गए यार ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ना कुछ बीच में ऐसा इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी ना कि वो समझ ही नहीं आ रहा था कि ब्लॉग किस चीज़ का बनाऊँ। अगर कुछ दिखाने लायक हो तो बंदा ब्लॉग बनाता है, अगर कुछ दिखाने लायक हो ही ना तो क्या ब्लॉग बनाए हम। सो मैंने बीच में ब्लॉग नहीं बनाया है। सो अभी है जी मॉर्निंग का टाइम, और हस्बैंड मेरे कुछ ऑफिस वर्क से गए हुए हैं, आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, यहाँ पर नहीं है वो अभी फिलहाल इस टाइम पे, और मे बी वो आज या कल तक वापस आ जाएंगे। और अभी मैं बना रही हूँ घीये की सब्जी मॉर्निंग में, तो यहाँ पे बन रही है मेरी घीये की सब्जी, एंड तेल गरम हो गया है। इधर मैंने ना ब्लैक चने, उर्द और चना की दाल जो बॉईल कर दी है दिन के लिए, और बस इसी तरह से अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। तो बाल अपने मैंने धोए थे, टॉवल निकाल दिया है, और अभी छे ऐसे ही जूड़ा बना दिया, थोड़े बाल सुखा के फिर कंघी करेंगे। सब्जी मैंने यहाँ बनने रख दी है, अभी चपाती बना देती हूँ जल्दी से और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, भूख लग रही है। पानी गिरा दिया खाते खाते नीचे, और ड्राई कर रही है अभी कपड़े के साथ, देखो। गुड गर्ल, गुड गर्ल, राइट राइट। यू लुक देयर, इज देयर एनी मोर वाटर? नो, ओके, लीव इट आउटसाइड। शाबाश मेरा बच्चा। 2 दिन बारिश हुई है, मौसम हो गया एकदम ठंडा, बट बारिश का नुकसान देखो यहाँ पे कितना है, अभी दिखाती हूँ आपको। देखो इधर चींटियाँ, देख रहे हो चींटियाँ, यहाँ सीमेंट लगाया है, इधर बुरी हालत है। यहाँ देखो बच्चे 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 डबल बाइट यू, देखो यहाँ देखो कितने बड़े बड़े चींटे हैं। ये कल मैंने पूरा सीमेंट से बंद किया है, बट यहाँ चींटियाँ, पूरा आगरा चींटियों से भरा हुआ है यार। अभी मेरा देखो गार्डन भी थोड़ा हरा भरा हो गया, बारिश हुई ना अच्छी खासी। करी पत्ते के पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हो गए मेरे। करी पत्ते के पेड़ लगाने का ना मुझे बड़ा ही शौक था, बड़ी देर से लगा रही थी, लग नहीं रहे थे, अब लग गए। 2 ये हैं, एक वहाँ है, एक उधर है, बड़े पेड़ लग गए। भिंडी भी लगने लग पड़ी अच्छी खासी, अब बैंगन देखोगे, मिर्चियाँ देखो कितनी लग रही हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी उतार के ना इनको सूखने रख देती हूँ, यही बंदा बना देता, अभी उतारती हूँ इनको। ये देखो मेरे बैंगन, इतने अच्छे बैंगन लग रहे हैं ना, वो देखो नीचे इधर बहुत सारे बैंगन लग रहे हैं। सब्जी बहुत अच्छी हो रही है। अब बच्चे कम यार, कम यार, बैंगन आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? ये देखो ये बीन्स की है बेल, बीन्स की बेल इतनी बड़ी हो गई, अभी बीन्स लगना स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन थोड़ी थोड़ी बीन्स मतलब वो हो गया है, तोरी की बेल फैल रही है अभी, थोड़ी थोड़ी फैला रही हूँ उसको। बहुत अच्छा हो रखा है, एकदम हरा भरा हो गया, क्योंकि 2 दिनों से बारिश हो रही थी, आज भी धूप नहीं है, नॉर्मल सा मौसम है, सो बहुत अच्छा सा हो गया है, अच्छा लग रहा है अभी। तो आज मेरे को फ्रेंड्स मिला है एक ब्लाउज पीस, सो अभी सोच रही हूँ कि उसी को कट कर लेती हूँ। ये देखिए ये है लाइनिंग का कपड़ा, और ये है साड़ी, साड़ी के बीच से ही ब्लाउज पीस निकलेगा, सो अभी इसको मैं कट करने जा रही हूँ, और ब्लाउज बना देते हैं आज। चलिए एक ये काम करने लगी हूँ अभी मैं। देखो छोटू हमारा क्या कर रहा है, बच्चे बड़ी हो डोइंग हाउस, इधर देखो घर बनाया भैया टाइलें खड़ी करके, वाओ। ओ देयर आर एंट्स, कम 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 हियर, कम हियर, सिट हियर। घर बना रही है देखो, ब्यूटीफुल हाउस, दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस इज दिस। बच्चे देयर आर लॉट ऑफ एंट्स, लेट्स गो, लेट्स गो इनसाइड। ओ ओ ओ, टैप योर फुट, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, स्टॉप योर फुट, गो इनसाइड। इतनी चींटियां ना बाहर, गो इनसाइड, गो इनसाइड।
तो गाइज यहाँ पे जो ब्लाउज की कटिंग हो रही है अभी मैंने जो है कीप साइलेंस, अभी मैंने लाइनिंग की कटिंग कर ली है और बस अभी मैं मेन फैब्रिक पे इसको रख के इसकी कटिंग करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले बना लेते हैं लंच। तो पसीने से जी हाल खराब है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि पसीना आ रहा है यार, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, फिर से धूप आ गई आज। और बस अभी मैं बना रही हूँ लंच और जल्दी से लंच बना लेते हैं अभी, माँ चने की दाल और चावल। से व्हाट यू वांट टू से, फ्रेंड्स डोंट वांट टू प्ले एनीथिंग, डू यू वांट टू प्ले, व्हाट यू वांट टू प्ले फ्रेंड, they want to play a piano, we want to play piano, and you, I want to play a rainbow instrument called a rainbow musical instrument, rainbow musical instrument। गैस ऑफ और रोटी बनके हो गई डन। और मेरी हालत देखो भैया क्या बन गई है, पूरा पसीने से लथपथ। क्या करना यार, मतलब गर्मियों में ये हालत तो होती है, बट एक बात अच्छा है कि थोड़ा सा हमको फिजिकली फिट रखती है, पसीना निकलने से बहुत सही रहता है। और यहाँ मेरे धुल रहे थे कपड़े अभी, यहाँ पे कपड़ों को कर दिया है जी स्पिन, हमने पूरा भरा हुआ है, तो मैं इनको डाल देती हूँ तार पे अभी, और थोड़े से और धोने के लिए यहाँ पे लगा दिए। ये वही नलका है जो मैंने पाइप के साथ अटैच किया था ना, ये देखिए इस पाइप के साथ अटैच किया हुआ नलका आगे, बड़े काम आता है। ओके, बट वेयर इज दादू जी, दादू जी इज इनसाइड द रॉकेट, yeah, and what daduji is doing, daduji is driving the rocket, driving the rocket, yeah, wah daduji dekh lo aap ye baithe hue ho rocket ke andar aur rocket chala rahe ho ji upar space mein jaake aasman mein, acha aur anything else, what is this, this big what is called the bubble, bubble, yeah, the biggest bubble, okay, so this bubble protects whether food comes down or space। ओके, यू वांट टू सेंड दिस वीडियो टू दादू जी, या ओके, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, मम्मी व्हाट यू आर डूइंग नाउ, नाउ आई एम गोइंग टू मेक द मोस्टेचेस, मोस्टेचेस, या पापा, हाँ डैडी इज ड्राइविंग द एरोप्लेन, ओके लेट्स गो ड्रॉ द मोस्टेचेस, पापा देख लो आपकी मुच्छे बना रही है अभी, रॉकेट में बैठे हुए आप, आपकी मुच्छे बना रही है, ओके दीज आर मोस्टेचेस, एंड वेयर इज बियर्ड, where is beard, daddy don't have any beard, daduji don't have any beard, not daduji, daddy, he is daduji na, no he is daddy, no you say he is daduji, oh daduji don't have any beard, daduji don't have any beard, yeah, lo papa boliye dadu ki muchhe hain lekin daadi koi nahi hai, and daduji have head hairs, yeah, draw, लो अब आपके सिर के बाल बना रही है देखो, स्मॉल स्मॉल हेयर्स, दादू जी हैव स्मॉल स्मॉल हेयर्स, ओके दैट्स नाइस बच्चा, शाबाश। सो कपड़े हमारे तारे भर गए, लेकिन अभी और हैं डालने के लिए। मैं गई थी दुकान पे, लाई हूँ नींबू 30 रुपए के 250 ग्राम, सो अभी हम नींबू और खाना खाएंगे। What baby? I will to have mango juice. Mango juice? Yeah, mango dirty juice. Dirty girl? Dirty mommy. Dirty mommy? चलो अभी हम खा लेते हैं जी खाना नींबू डाल के, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए मैं नींबू जरूर डाल के खाना खाती हूँ। तो कर लेते हैं लंच यार, मतलब 4 बज गए होंगे आई थिंक, टाइम क्या हो गया, हाँ पूरे 4 बजे हैं। ठीक है तो अभी हम लंच कर लेते हैं 4 बजे, जब ब्रेकफास्ट लेट हो जाना तो पूरे दिन का सारा शेड्यूल लेट हो जाता है। सो अभी लंच करेंगे, फिर उसके बाद मुझे ब्लाउज का पूरा कटिंग करना है, एंड आफ्टर दैट आज मेरे हस्बैंड जो है वो बोल रहे हैं कि मैं मॉर्निंग में आऊंगा कल, आज नहीं आऊंगा। सो मैं ना बहुत ज्यादा अजीब सा फील करती हूँ यार, जब वो कहीं चले जाते हैं ना किसी ऑफिस वर्क के लिए, तो फिर मुझे बहुत ज्यादा ऐसे लगता है, बट क्या करना यार, जॉब है तो सब कुछ करना पड़ता है। सो अभी हम कर लेते हैं लंच, लंच हो गया जी रेडी, यहाँ पे दाल चावल मिक्स करके ही हम खाती, मतलब मैं खाती हूँ, बाकी तो अलग अलग ही खाते हैं, साथ में सैलेड भी रेडी हो गया, तो हम कर लेते हैं लंच। चलो पढ़ो पढ़ो जल्दी से पढ़ो, लेट्स गो फास्टर, यस यू नो। तो अभी इन कुचरू पुचरू को पढ़ा रही हूँ मैं, पढ़ा पढ़ू के तो फिर इसको भेजूंगी टाइकोंडो क्लास।
तो लंच हमारा आज हुआ है जी 4:30 बजे लंच करा है, और अभी इनको थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको टाइक्वांडो क्लास भेजूंगी। आगरी आई हुई टाइक्वांडो क्लास, वो देखो यहाँ पे टाइक्वांडो हो रहा है, तो मैं साइडों साइडों पे घूम घूम के देख रही हूँ कि क्या कर रही है वो। शाम के टाइम का नज़ारा देखो, गाय बच्चे डॉग कुत्ते सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मस्त लगता है इस टाइम पे यहाँ पे। वो देखो कुत्तू हमारे कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो कुछ को कान पकड़ाए हुए हैं, वो खड़ी है कुच्ची हमारी साइड में, वो देखो। बच्चों को फिजिकली फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी आपके आसपास हो रहा है वही करवाइए, लेकिन ज़रूर करवाइए, बच्चों को बिठा के रखना सही नहीं है। शागरी मेरी कर रही है टाइक्वांडो, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मिर्ची निकाल देती हूँ अपने गार्डन में से, ये देखिए लाल लाल निकाल देती हूँ जो थोड़ी थोड़ी हो गई हैं, हरी भी वैसे रखने लायक नहीं है, निकाल ही देती हूँ। बहुत सारी मिर्ची हो गई है और मैं इसको निकालने का टाइम नहीं मिलता है, और पूरी बीच में ही सूख जाएगी, सो निकाल देते हैं इसको। ये देखो इतनी सारी मिर्ची निकल गई है, चलिए चलते हैं अभी अंदर। तो खुशागरी आ गई वापस टाइक्वांडो से, तो मैं ना इसको खिला रही हूँ वाटरमेलन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो थोड़ा वाटरमेलन थोड़ा नींबू पानी, पसीने से पूरी लथपथ हुई थी, इतना पसीना आया था इसको, छोटे छोटे बच्चों को भी इतना पसीना आता है यार, क्या करना। कपड़े आ गए तार से अंदर, बस अब इनको मुझे लगाना है तय और से वाला काम करना है ख़त्म, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो जाते हैं धो के, तो इनको तय वह लगा के रख दो। और अभी हम दोनों ने नहा लिया, माँ बेटी ने, और नहा के बस अभी 8 बज गए हैं शाम के, सो अभी कुछ डिनर बनाऊंगी, क्योंकि दिन की दाल भी बनी है, और कुछ डिनर बनाऊंगी और बस आज का हमारा डिनर रेडी करूंगी। तो आपको ब्लॉग हमारे कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताया करो, ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी मैं और मेरी बेटी करेंगे डिनर और उसके बाद हम सो जाएंगे, क्योंकि आज दिन को वो नहीं सोई है, सो उसको मैं 9:30 बजे तक तो सुलाई दूंगी। तो ब्लॉग को भी मैं यही खत्म करती हूँ, कल मिलते हैं नए ब्लॉग, बाय बाय।